दिनेश और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ नई टाटा की सिटी राइड बस। मैं हूँ सीके मोटर्स उदयपुर से और आज नई गाड़ी हमारे पास पहली बार आई है 11/12/48 पे BS4 पे जो हमने 45+1 लॉन्च की है नई सिटी राइड SVL बस। तो मैं आपको इसके बारे में पूरा तफसील से बताऊँगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसका जो लुक है वो बहुत ही रॉयल दिया है। आप देखेंगे इसकी जो फ्रंट की ग्रिल है वो पहले से पूरी चेंज कर दी गई है। ये आपको मिलती है क्रोम फिनिश के साथ में। इसके साथ में आपको जो लाइट्स है, अब पहले जो नॉर्मल जो आड़ी लाइट आती थी उसको नीचे से खड़ी करके इन्होंने बिल्कुल शेप में दिया है। तो जो इसका लुक है वो बहुत ही शानदार बनता है। इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा साइड से, पहले इसमें दो शेड आते थे क्रीम और वाइट का, जो कि अब गाड़ी को कंपनी ने पूरी तरह से पर्ल वाइट कलर में कर दिया है, जो काफ़ी इसको अट्रैक्टिव बना रहा है। बैक साइड से भी इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। देखिए बैक का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैक साइड में जो लाइट्स है उसको वैसे के वैसे ही इन्होंने स्टाइल में कर दिया है। खड़ी लाइट में टाटा SVL की ब्रांडिंग बीच में आ गई है और इसके साथ में एक रिवर्स जो हम कारों में देखते हैं वो लाइट उन्होंने यहाँ पे दी है, जो कि LED लाइट है। गाड़ी काफ़ी सुंदर लगेगी उससे। साथ ही में इसमें इमरजेंसी डोर का ऑप्शन जो पहले भी आता था वापस रखा है इन्होंने। और यह है इसका फ्यूल टैंक, साइड में इंडिकेटर दिए हैं। इसके अलावा इसमें और क्या चेंज किया है कंपनी ने वो मैं आपको बताने दे रहा हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो 3x2 सीट आएगी, 45+1 सीटर में आती है गाड़ी, जो बराबर लेग रूम के साथ आएगी। और हम इसका लेग रूम चेक करेंगे कि आप कितने आराम से इसमें पैर फैला के बैठ सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई व्यक्ति आराम से अपने पूरे रेस्ट के साथ में पूरे पैर फैला के बैठ सकता है। इसका पूरा लेग रूम दिया है और सीटें हाई बैक दी है। सीट में आपको ख़ास बात मिलेगी इस बार, इन्होंने फैब्रिक सीट दी है। जी हाँ, फैब्रिक सीट जो काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन इस बार इन्होंने इसमें एक नई चीज़ जोड़ी है, फैब्रिक सीट। और साथ ही में हर सीट पे इन्होंने आपको दो दो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिए हैं, एक फास्ट चार्जिंग के लिए, एक नॉर्मल चार्जिंग के लिए। ये आपको हर सीट पे मिलेंगे। जी हाँ, हर सीट पे मिलेंगे। और हर सीट में आपको एक जैसा लेग रूम मिलेगा और हर सीट आपको इंडिविजुअल मिलेगी, बिल्कुल बीच में से पीछे से सीट पकड़ने के लिए पूरी इंडिविजुअल गैप के साथ सीट आएगी। इसमें साथ ही में इन्होंने दिया है वही स्टाइलिश हेड रेक, जो कि ज़्यादा आपका सामान हो रखने के लिए। और बीच में हैंगर दिए हैं ताकि आप जब बीच में खड़े रहें तो आप आराम से इसको पकड़ के चल सकें। छोटी छोटी चीज़ों में इस बार इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। हम देखेंगे इन्होंने इस बार घड़ी भी लगाई है टाइम के लिए। और इसके साथ में इन्होंने सनवाइज़र जो है सनवाइजर दिया है फ्लिप वाला, और ड्राइवर के लिए दिया है फैन। सर इस बार इसमें इन्होंने इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज किया है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कितना ज़्यादा चेंज है इस बार इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन में। जी हाँ, इसका इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन है। इसमें आपका जो मीटर है उसको कंसोल को पूरा डिजिटल कर दिया इन्होंने। इसमें आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर, किलोमीटर, माइलेज, डीजल और सब तरह के इन्होंने मीटर लगा दिए हैं। साथ ही इन्होंने
बैटरी कटआउट का जो पोर्शन है उसको भी बहुत सॉफ्ट कर दिया है, और इधर जो लैंप हैं उन बटन को भी आपने देखेंगे आपको बहुत इजी कर दिया है। हम देखेंगे इस बार इन्होंने एलईडी लाइट्स भी गाड़ी में दी है, जो कि हम चालू करके देखते हैं एक बार। ये आपकी राइट साइड की लाइट्स हैं और ये आपके लेफ्ट साइड की एलईडी लाइट्स हैं, जो कि गाड़ी में रोशनी के लिए हैं, और केबिन के लिए भी इन्होंने एक एलईडी लाइट दी है। ड्राइवर फैन चालू कर दिया और केबिन की लाइट, तो इन्होंने कुल मिला के इस बार गाड़ी को बहुत ही शानदार बनाया है। इस बार इन्होंने इसका इंजन जो है वो 123 HP का जो टाटा का CR इंजन आ रहा है नया, जो हम 712-912 में देखते हैं 4 सिलेंडर इंजन, वो लगाया है, जो कि 400 NM टॉर्क के साथ में आता है। और गियर बॉक्स इन्होंने ZF का 40 का लगाया है, जो कि 5+1 के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। और कुल मिला के हम देखते हैं इस गाड़ी को काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है। इमरजेंसी एग्जिट जो इस पर BBC नॉर्म्स होता है, बस बॉडी कोड के नॉर्म्स में, वो प्रोवाइडेड है। और हैमर जो गाड़ी में इसमें दिया है ग्लास ब्रेक करने के लिए, वो प्रोवाइडर है। और पीछे भी हम देखेंगे तो इमरजेंसी एग्जिट और ग्लास तोड़ने के लिए हैमर प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे आपका इमरजेंसी डोर, जो कि पूरे मतलब गली के साथ में अपन बोल सकते हैं आता है, जिसमें व्यक्ति आराम से निकल सके इमरजेंसी होने कंडीशन में। और यहाँ पे इन्होंने सीट बेल्ट भी प्रोवाइड किए हैं सीट्स के ऊपर। और इसके अलावा जो हम देखेंगे फायर एग्जिस्टर आपके रियर और फ्रंट में इन लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि इस बार बहुत इम्प्रूवमेंट है, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत जान दिया कंपनी ने। ये देखिए दरवाजे पे भी हैमर दिया इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट के लिए, और यहाँ पे आपका स्टॉप के लिए साइन दिया है, कोई भी उतर हवारी को उतरना हो तो आप बटन दबा सकते हैं उतरने के लिए। साथ में इन्होंने जो स्टेप दी है उसके ऊपर येलो कलर का रेडियम वाली स्ट्रिप्स दी है, ताकि अंधेरे में भी आपको इजीली दिखाई देगी सीट। और पीप विंडो दी है, ताकि साइड में कोई छोटा बच्चा आ जाए दिख सके आपको। तो इस बार वाकई में ACGL ने इस गाड़ी में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, और हम मान सकते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट इस मॉडल को सक्सेस बनाएगा रूट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.